रुक करते हैं अब प्रदेश की ओर। ज्वालामुखी मंदिर में अश्विनी नवरात्रे 29 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। इसी के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम अंकुश शर्मा ने की। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने सभी पुख्ता इंतजाम करने के बारे में इस बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इस अश्विनी नवरात्रों में श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। ज्वालामुखी मंदिर में न्यास की बैठक के दौरान नवरात्रों को अच्छे और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए अलग अलग कमेटियों की गठन भी किया गया, ताकि सभी को सुविधाएं मिल सके। साथ ही टीमों को रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की परिभाषा के बारे में भी जानकारी दी गई। ज्वालामुखी मंदिर में अश्विन नवरात्रों को लेकर मंदिर न्यास की अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम अंकुश शर्मा ने की। आपको बता दें कि ज्वालामुखी मंदिर में अश्विन नवरात्रि 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेंगे। बैठक में एसडीएम अंकुश शर्मा ने नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने सभी प्रबंधकों के बारे में ब्यौरा लिया। उन्होंने बताया कि इन अश्विन नवरात्रों में श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाएगी। ज्वालामुखी मंदिर में न्यास की बैठक की गई है, जिसमें नवरात्रों को अच्छे व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवा पाए, इसके लिए इन नवरात्रों में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। सभी टीमों को रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परिभाषित कर दी है। इन नवरात्रों में सुरक्षा संबंधी पुख्ता इंतजाम, पार्किंग की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था और श्रद्धालुओं से संबंधित मूलभूत सारे मुद्दे लिए गए हैं और संबंधित विभागों को कार्य करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीने के पानी के लिए सप्लाई आएगी और अगर फिर भी पानी पूरा नहीं हुआ तो प्रशासन टैंकरों के जरिए पीने का पानी मुहैया करवाएंगे। उन्होंने मेलों के दौरान साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित बनाने तथा मेलों के दौरान सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अस्थायी शौचालयों की सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। 28 तारीख से शुरू हो गए और आज हमने नवरात्रों को हम अच्छे व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवा पाए, इसके लिए हमने मीटिंग करी है। सारे हमारे ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उपस्थित रहे, ट्रस्ट के मेंबर्स थे, तो हमने कुछ एक टीमों का गठन किया है और कुछ एक इश्यूज़ जो पहले हमारे ध्यान में आए हैं उनके ऊपर चर्चा करी है और टीमें बना के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने परिभाषित कर दी हैं। और मेलों के दौरान भी हम सब एक एज अ टीम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी, भरपूर कोशिश इनफैक्ट, के मेलों के दौरान हम ये जो मेलों का समापन है इनको एक सुव्यवस्थित तरीके से करवा पाएँ।